हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पे। ये देखिए, आज हम लोग अचार बनाने वाले हैं घर पे ही, बड़ा टेस्टी सा। ये हमारा आम लेकर के हम आ गए हैं गांव से। ये हमारा कम ही हम तोड़े थे। ये देखिए, ये हमारा 3 किलो होगा। ये हम आम तोड़ के रेडी किए हैं। ये हमारा, ये देखिए, सबसे पहले इसे हम काट ले रहे हैं। आपको किस हिसाब से काटना है उस हिसाब से पीसेस में कट लीजिएगा। ये हम इसे घर के काटने वाला से ही इसे काट ले रहे सबसे पहले। ये हमारा बहुत सारा आम सब है। ये देखिए, साथ में हमारा पैरोट भी बैठा हुआ है। ये देखिए, हम इसे पीसेस में डिवाइड कर लें। किस प्रकार से आपको डिवाइड कर लेना, आपको छोटा छोटा पीसेस में चाहिए होगा तो आप छोटा छोटा इसे पीसेस में अलग कर लें। ये हमारा इस प्रकार से इसे हम अलग कर ले रहे हैं। ये हमारा इस प्रकार से हम इसे अलग करके रख चुके हैं। चलिए, आपको फाइनली कम्प्लीट होने के बाद हम, ये हमारा 3 kg आम था, पूरा रेडी हो गया हमारा कटिंग करके। ये देखिए, अभी इसे मैं बाहर में धो ले रहा अच्छे तरीके से, काट के हम रेडी कर लिए। आपको 10-15 मिनट के लिए पानी में छोड़ देना होगा। आपको पानी में रख लेना है 10-15 मिनट। अब चाहे तो थोड़ा और भी कर सकते हैं, 20 मिनट टाइप से। ये देखिए, इसे अभी हम लोग 15 मिनट पानी में रखने के बाद इसे निकाल लिए हैं सूप में। इसे चलिए अभी आपको आगे लेके चलते हैं। इसे थोड़ा देर के लिए धूप में रख दे, उससे पानी निकल जाएगा जितना भी है। ये देखिए, हमारा सारा को एक ही बार में फिर से मिला रहे हैं। ये हमारा हल्दी नमक एड ऑन कर लिए हैं। इसे आपको पूरा अच्छी तरीके से मिला लेना, इस प्रकार से टॉस कर करके। आप हाथ से भी इसे पहले बना सकते हैं, फिर मिला के उसे अच्छी तरीके से टॉस कर करके आपको पूरा मिला के रेडी कर देना है। और इसे फाइनली अभी हम ढक के 4 से 5 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 3-4 घंटा के बाद हमारा ये जो आम है गमले में, जो हमने छोड़ दिया था जमने के लिए रखा हुआ था, ये देखिए किस प्रकार से पानी निकल गया है हमारा। आप चाहें तो पूरी रात भी इसे इस प्रकार से आप रेस्ट में रख सकते हैं। इसे अभी हम पानी अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आपको पानी अलग कर लेना है। बड़ा सिंपल सा अचार का रेसिपी है, आप ट्राई कीजिए। बड़ा ही टेस्टी सा आपका अचार का रेसिपी बनेगा। ज़्यादा लोग को पता होगी, आधा लोग को नहीं भी पता होगी। आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें। पानी, काफ़ी सारा पानी निकल गया है। ये देखिए, अभी इसे ऊपर हम लोग लेकर के आ गए हैं अच्छी तरीके से सुखाने के लिए। एक एक पीस बारीकी से रखेंगे कि अच्छी तरीके से वो सूख जाएगा। धूप हमारा थोड़ा तेज है। ये देखिए, इस प्रकार से भी अच्छी तरीके से हम लोग सुखा ले रहे हैं। ये देखिए, फाइनली हमारा रेडी हो गया। चलिए इसे सूखने देते हैं, शाम में हम इसे बताएंगे। ये देखिए, हमारा सारा मसाला हमने रेडी कर लिया फाइनली। ये देखिए, चलिए आपको मसाला क्या क्या लगा है हम आपको इस पे दिखा रहे हैं, आपको हम एक एक करके बता देंगे। मिर्चा गुंडा, ये हमारा मिर्चा गुंडा, अजवाइन, हल्दी, गोटा वाला जीरा, गोटा वाला, ये हमारा सौंफ इधर है, धनिया, गोटा वाला धनिया, ये मेथी, मेथी गोटा वाला हमारा, काला जीरा, सरसों, गोटा वाला काला सरसों, काला वाला है, पीला वाला भी सरसों चलेगा, पीला वाला भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमारा नमक, ये हमारा गुड़, जो हम लोग को मीठा अचार पसंद है इसीलिए हम लोग गुड़ वाला बना रहे हैं। इस तरीके से आप बनाइए, तेल और आपका सरसों तेल जो ऐड होगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इन कुछ इंग्रेडिएंट को हम लोग को भून लेना होगा। ये देखिए, हमारा सरसों को आपको भून लेना है, फिर हमारा गोटा वाला मेथी को, और ये हमारा गोटा वाला धनिया। ये 5 इंग्रेडिएंट को हमको अच्छी तरीके से भून लेना है। चलिए, ये हमारा जीरा, धनिया, सरसों, अजवाइन और सौंफ को अच्छी तरीके से भून के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इसको गैस के ऊपर हम लोग भून ले रहे हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा देर ही भूनना है आपको, ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर से आपको सोक करेंगे भून के कंप्लीट होने के बाद। ये देखिए, फाइनली इसे हम लोग भून के रेडी कर लिए। ये हम सिल पट्टे पे इसे पीस के गुंडा कर ले रहे हैं। आप चाहें तो मिक्सी के जार पे भी कर सकते हैं। जो हमने 5 चीज़ को अच्छी तरीके से भुना है, इसे पीस के पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा सरसों तेल गैस पे ऊपर आ रहा है, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है लॉन्ग लास्टिंग के लिए।
डायरेक्ट कच्चा तेल भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इस प्रकार से गर्म कर दीजिएगा तो आपका लास्टिंग ज़्यादा होगा या फिर आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। ये हमारा सरसों तेल, ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा गमले पे तेल को हम थोड़ा सा ठंडा कर लिए। ये हमारा गोटा वाला मेथी आ जा रहा है, ये देखिए ये हमारा गोटा वाला मेथी हम इसे ऐड ऑन कर लिए। साथ ही में ये हमारा सौंफ है, ये देखिए गोटा वाला, ये देखिए हमारा गोटा वाला थोड़ा सा जीरा भी ऐड ऑन कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारा हल्दी ऐड ऑन हो रहा है। ये हमारा कैमरा फोकस कर लिया। ये हमारा मिर्चा गुंडा, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से ही ऐड करें, क्वांटिटी हिसाब से। और एक आप करछुल की मदद से इसे मिला लें। ये देखिए हमारा सरसों ऐड कर ले रहे हैं जो हमने पीस के रेडी किया था। ये रहा हमारा सरसों, ये देखिए हमारा पिसा हुआ वाला धनिया हमने पीस के रेडी किया था भून के। जीरा, ये देखिए हमारा जीरा भी आ गया साथ ही साथ। सौंफ, ये हमारा सौंफ जो हमने भून के पिसा था। मेथी, ये हमारा मेथी जिसे हमने भून के इस पीसा था इसे भी। काला जीरा, ये हमारा काला जीरा ऊपर से ऐड कर लिए। बाद में थोड़ा सा, ये रहा बस, इसे आप अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इस एक बार आपको ऐड ऑन कर लेना है अजवाइन। ये देखिए अभी हमारा अजवाइन ऐड कर ले रहे हैं, आपको इस तरीके से इसे मसल के ऐड ऑन कर लेना है सारे। और आपको फिर से अच्छी तरीके से इसे मिला के रेडी करना होगा, फिर आपका नमक आ जाएगा। क्वांटिटी हिसाब से आप नमक ऐड करें। बाहर में आपको थोड़ा बाहर में आपको नॉइज़ सुनने मिल रहा होगा, बाहर में हमारा बारिश चालू हो गया है। ये देखिए ये फ़िलहाल अभी हम इसे अच्छी तरीके से फिर मिला रहे हैं। काफ़ी टेस्टी सा हमारा अचार का रेसिपी है। ये देखिए इसमें आधा कटोरी मीठा आम का अचार बनाना चाहते हैं तो चीनी भी डाल सकते हैं और ऐसे गोटा वाला गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर आप पिघला के भी डाल सकते हैं। इसे मेल्ट करके इसे आप डाल के ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट गुड़ ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से मेल्ट करना होगा। ये देखिए फिलहाल अभी हमारा आम आ रहा, ये सारा ढेर सारा आम जो हमने धूप में सूखने के बाद इसे लेकर के आ गए हैं। ये अभी इसे हम ऐड ऑन कर लेते हैं, उसके बाद चलिए आपको फिर से शो करते हैं। ये देखिए हम इसे अच्छी तरीके से अपने करछुल की मदद से इसे मिला ले रहे हैं। ये देखिए हमारा मसाला किस प्रकार से रेडी हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी सा है। आप इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त अचार खाने में लगेगा, टेस्टी। आप इजीली बना सकते हैं, बहुत कोई को आता भी होगा, बहुत कोई को नहीं भी पता होगा। ये देखिए आपको मिला लेना है, बाहर हमारा बारिश हो रहा है इसीलिए आपको कुछ नॉइज़ सुनने मिल रहा होगा। ये आपको तो सामने लेके चलते हैं। ये देखिए ये हमारा मसाला काफ़ी सही से बना है, मेन सारा हमारा काम मसाला का ही है। ये देखिए हमारा, ऊपर से हमारा काला जीरा ऐड ऑन कर ले रहा थोड़ा से, फिर से आपको अच्छी तरीके से फिर मिलाना होगा। ये देखिए हमारा जिसमें ऑयल था उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर ले रहे हैं, अभी हमारा जो गुड़ है उसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ हम इसमें ऐड ऑन कर ले रहे हैं, इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी नॉइज़ सुनने मिल रहा होगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। चलिए मेल्ट होने के बाद फिर से आपको शो करेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ किस प्रकार से खोल रहा है, ये हमारा रेडी हो गया है, इसे अभी हम उतार लेंगे। ये देखिए पूरा अच्छी तरीके से ये खोल रहा है, ये गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। चलिए इसे उतारने के बाद आपको फिर से शो करेंगे। ये देखिए दोस्तों फाइनली हम इसे उतार लिए हैं, ये हमारा, ये देखिए थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेते हैं पानी में। ये देखिए पूरा गुड़ अच्छी तरीके से बैठ रहा है, इसे थोड़ी देर हम छोड़ देंगे बस। देखिए इसे अभी हम लोग छान ले रहे हैं, आप इसे गरम गरम ही छान के ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस प्रकार से आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा घर पे यही छलनी था अवेलेबल था, हम इसी से इसे छान लिए हैं। ये देखिए हमारा गुड़, गंदगी रहेगा गुड़ में निकल जाएगा, आपको जितना भी गुड़ में गंदगी देखने मिलेगा वो सारा चीज़ छलनी में हट जाएगा, आपका पूरा अच्छा से जो है गुड़ मेल्ट होकर मिलेगा। ये देखिए हमारा छलनी में थोड़ा बहुत रह गया, ये रहा हमारा, इसमें इसे अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए दोस्तों फाइनली हम इसे जार में रख देंगे, ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए जार में इसे फिल कर दे रहे हैं हमारे इस करछुल के मदद से, हाथ हमारा थोड़ा भी नहीं लगाया, सारा चीज़ हमने करछुल के हेल्प से कर लिया। ये देखिए
सामने आपको ले चलते हैं। ये देखिए हमारा अचार काफ़ी सा लजीज दिख रहा होगा, आप इसे घर पे ट्राई करके इजीली बना सकते हैं। आप लोगों को अगर मीठा पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर दीजिए, जिस तरीके से नॉर्मली हमारा अचार खट्टा मीठा बनेगा नहीं, खाली हमारा स्वाद अनुसार जिसे बनता है उस हिसाब से बनेगा। ये इस हिसाब से खट्टा मीठा दोनों रहेगा, इसलिए हमने गुड़ भी ऐड कर लिया है। ये देखिए फाइनली हमारा गुड़ ऐड कर ले रहा है अभी इसी टाइम, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा बन के अचार टेस्टी सा। ये देखिए हमारा गुड़ ऐड ऑन कर ले रहे हैं, ये देखिए इसे फिर से अभी हम ऐड ऑन कर ले अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारा टेस्टी सा अचार बन के रेडी हो गया, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं हम इसे सेक करके। ये देखिए फाइनली हमारा बन के रेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए हमारा क्वांटिटी। चलिए आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।